अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। ओहो दुर्जन, दुर्जन, ए घर नीचे। खुशी हुई इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर। दुर्जन मेरे भाई, ए घर नीचे, एड़ा आइए। अपनी खुशी को संभाल के रख, बाप बनने पे काम में आएगी। तेरा हमारा रिश्ता दोस्ती का नहीं, सौदेबाजी का है। विलायती जी, इसमें सोना हीरे जवाहरात हैं। बाजार में इसका भाव 50 करोड़ है। इसे बेचना तेरा काम है। 10% अपना कमीशन रख के बाकी का पैसा वहां पहुंचा देना जहां मैं कहूंगा। बिल्कुल। अरे हमारी पहले भी तो डील हुई है, लेकिन मैंने कभी चीटिंग नहीं की। जानता हूं, वो छोटे मोटे धंधे थे, ये पूरा 50 करोड़ का है। 50 करोड़ की चमक जब आंखों को सताए, बेईमानी दिल में आए, तो बस मेरे बारे में सोच लेना। जब मैं 4 साल का था तो हमारे गांव में एक सांप ने बहुत आतंक मचाया हुआ था। काला सांप, कोबरा। फिर वो सांप अचानक हमारे घर में घुस गया। सुबह आंगन में उसकी लाश पड़ी हुई थी, काले से नीला हो गया था। मेरी माँ ने कुछ दूध कटोरे में डालकर रखा था, उसने चख लिया और मर गया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो दूध मेरा झूठा था। तब 4 का था, अब मैं 40 का हूं। ऊपर से लेकर नीचे तक शहर से भरा हुआ मैं हूं की कोबरा, याद रखना। 50 करोड़। लेकिन ये हर बात को निबंध की तरह क्यों बोलता है? सीधे भी तो बोल सकता है कि मेरा जूठा दूध पीने से सांप मर गया। कुछ भी होगा जिराज, जल्दी से इसके डील फाइनल करके इससे छुटकारा पाओ। इतना चबा चबा कर मत बोलो रंजीत। सॉरी। ये नहीं जानता, जब मैं 4 साल का था तो क्या करता था? मुझे पता है, जब तुम 4 साल के थे तो इंडिया गेट पे गजरा बेचा करते थे गजराज। इसका कितना? 7,000। तू तो बहुत महंगा निकला रे। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अरे सेठी हाय। पहले बिल फिर हिल। सेठी मैंने तो एक्चुअली सिर्फ 15,000 कमा लिया है, लेकिन आपने जो कल ज्वेलरी की दुकान से अपनी गर्लफ्रेंड मोना के लिए जो सामान लिया है, जरा सोचो अगर भाभी जी को पता चल गया तो बेचारी को जोर का झटका तो लगेगा ही। लग गया झटका उसको। क्या मतलब? वो देख। ये कब हुआ? 1 महीना हो गया। ज्यादा ही जोर का झटका लगा है ना? अब इसको पकड़िए, मैं भाभी जी की आत्मा के लिए प्रार्थना करके आता हूं। एडी ए पकड़ो उसको, पकड़ो, पुलिस पुलिस। अच्छा, ओ आज छोड़ूंगा नहीं साले को। सरेंडर कर नहीं तो एनकाउंटर कर दूंगा। अरे भाग के कहां जाएगा, मोहल्ला थोड़ी छोड़ देगा तू। ठहर जा। अच्छा इधर छुपा बैठा है। सर आज काम तमाम कर देंगे, आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। तुम उधर से कवर करो भाई, मैं इधर से कवर कर रहा हूँ। क्या कर रहा तू? औकात क्या है? ए चूहे की,
अरे इधर पीछे है वो। हाँ, हाँ, चिंता मत कीजिए सर, निकल। आ रहा है, इधर आ रहा है। सर हम डटे हुए हैं, मोर्चा संभाले हुए, भागने नहीं देंगे साले को। मतलब फीमेल, तुम मुझे क्या देख रहे हो, बोलोगी? वही लगी थी वो। अरे क्या उलझुल उल बक रहे हो तुम लोग, तुम लोगों को कैसे मालूम कि वो चूहिया ही थी? सर जी एक बात बताना, जब आप रात को सोते हो तो वो आपके पैर के नीचे आके गुदगुदाती है, करेक्ट। कभी कभी कान के नीचे आके शरारत भी कर देती होगी, करेक्ट। कभी कभी रुमाल भी छुपा के भाग जाती होगी। हाँ, इस बात का इंडिकेशन है कि वो चरित्रहीन चूहिया ही थी और आपका चरित्र खराब करने आई थी। अरे ये बताओ तुम लोग हो कौन? जी हम फटाफट पेस्ट कंट्रोल की तरफ से आए, आपने फोन किया था? मैंने फोन तो नहीं किया था, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए। मैं हजारी, तू बोल। मैं मुरारी। जहाँ जहाँ हम पधारे जीव जंतु सब स्वर्ग में सिधारे। हाँ। अच्छा ये बकवास बंद करो, वो तो भाग गया, उसके रिश्तेदार अंदर ही कहीं होंगे, चलो ढूंढो उनको। सर आप 2 घंटे के लिए बाहर जाइए, हम सब निपटा देंगे। नहीं नहीं भाई, मैं यहाँ रुक कर तुम लोगों की मदद करूँगा। नहीं नहीं नहीं, ये जो कीटनाशक है ना, इससे आपके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ सकता है। अगर आप लोग दूसरों के लिए इतना जोखिम उठा सकते हो तो क्या मैं अपने लिए इतना सा जोखिम नहीं उठा सकता? सर सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं, घंटा सही कह रहे हैं। चलो भाई काम हो गया। सर क्या मतलब, कुछ किया ही नहीं तुम लोगों ने? सर सही कह रहे हैं। अरे क्या सही कह रहे हैं सर, ये फटाफट पेस्ट कंट्रोल है, 15 दिन में इसका इफेक्ट पता चलेगा। सर ये भी सही कह रहे हैं। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ सर, पैसा मत दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, पैसा देने की कोई जरूरत नहीं, आप हमें हाईली कहीं रिकमेंड कर दीजिएगा। अरे जो कुछ मिले वो तो ले लो। अरे इनके पैसे से तुम घंटा उगाड़ लोगे, चलोगे कि नहीं? सर अगर हमें अच्छी जगह रिकमेंड कर देंगे तो मालूम है लाइफ पॉलिश हो जाएगी हमारी, है ना सर? एक जगह है जहाँ तुम लोगों की जरूरत है। क्या है, क्या है, कौन है, क्या हुआ, क्या हुआ कुसुम, क्या हुआ, कौन है? कॉकरोच। कॉकरोच? अरे मुझे तो लगा कोई शेर चीता आ गया जो तुमने इतना दहाड़ दिया। कितने दिनों से मैं कह रही हूँ कि पेस्ट कंट्रोल करा दो। मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने कहा था कि आप छिपकली और कॉकरोच से बहुत परेशान हैं। कुकी जी। कुकी? कुकी कौन है? कुकी मैं हूँ। तुम? थैंक यू पीपी। पीपी? पीपी मैं हूँ। कौन? पीपी मैं हूँ। भाभी जी मुझे प्यार से पीपी कहती है। ओ, कुकी पीपी, पीपी कुकी। और ये दो आइटम कौन है? आइए श्रीमान बताइए। ये फटाफट पेस्ट कंट्रोल है। जी मैं हजारी हूँ। और मैं मुरारी। अरे वाह 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 वाह, ये दोनों कर देंगे फटाफट पेस्ट कंट्रोल। लेकिन उसके लिए आपको 4 घंटे के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाना पड़ेगा क्यों? बर्दाश्त नहीं होगा ना सर, 2-4 घंटे के लिए शॉपिंग कर लीजिए। कुकी जी को फिल्म देखनी है, कह रही थी बहुत दिन से फिल्म नहीं देखी। अच्छा भाभी जी हैं? अरे ये हमारा घरेलू मामला है। अच्छा बताए, हमें बहुत प्यार आदर और सत्कार से रखा हुआ है इस घर में। 13 साल से मैं इनके अंडर काम कर रहा हूँ, उसके पहले 7 साल तक ये। अरे मैं तो कहता हूँ अगर हमें फिल्म देखने जाना है डार्लिंग तो बहुत देर हो जाएगी। लेट्स गो। तुम पीपी मतलब प्रलय प्रताप, इन दोनों लोग पे ध्यान रखना। जी आप कुकी जी का ध्यान रखना। दैट आई विल, कम ऑन डार्लिंग। थैंक यू पीपी, बाय बाय कुकी जी। ए शुरू करो। ये कमिश्नर है कि घंटा, यही काम संभालता है? ए तमाम संभाल के बात कर। अबे मुरारी भाभी जी कमाल का माल है, साड़ी कहाँ सुखाती होंगी? फ्रिज में। क्या लंगूर की तरह लटके हो, घर बहुत बड़ा है। हाँ बड़ा है, तुम लोगों ने अपनी फीस नहीं बताई। अरे कमिश्नर साहब ने भी तो कहा अपनी सैलरी बताई। अरे कमिश्नर साहब की सैलरी से आपकी फीस का क्या लेना देना, चलो काम शुरू करो। चलो चलो। अरे यहाँ काम नहीं हो सकता। क्यों 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 क्यों? अरे लाल बाबा का प्रकोप है। क्या बात, क्या बात कर रहे हो? अरे भूल गए लाल बाबा को, क्या बात कर रहे हो? सर जी यहाँ लाल बाबा का प्रकोप है, यहाँ हम जीवन भर पेस्ट कंट्रोल करते रहेंगे, पूरा घर खोद करके कब्रिस्तान बना देंगे, फिर भी जीव जंतु बैठ के यहाँ आपके साथ संतरा और अंगूर खाएंगे। क्या मतलब? मतलब काम नहीं हो सकता। ऐसा कैसे बोल रहे हो, मैंने कुकी जी से प्रॉमिस किया है। आपको अपने प्रॉमिस की पड़ी है, वहाँ लाल बाबा चौराहे पे बैठ के हाथ जो दिखा रहे हैं उसका कुछ नहीं। अरे ये लाल बाबा है कौन? ये कौन है? तुम बैठ के हाँ मैं हाँ क्या बोल रही हो, कुछ बताओगी लाल बाबा के बारे में? लाल बाबा कुल देवता है जीव जंतुओं के, उनका प्रकोप है इस घर में। लाल बाबा को शांत किए बिना जीव जंतुओं को निकालना उतना ही मुश्किल है जितना इंडिया के लिए दाऊद को ढूंढना। लाल बाबा शांत कैसे होंगे ये तुम बताओ। अरे हमको क्यों डांट रही, कोई मेरा घर है, इनसे कहो इमली के 8 बीज लेकर के 11 अलग अलग कुएं में डालें और पलट के ना देखें। अब ये 11 कुएं मैं कहां से ढूंढूं, कहां से लाएं 11-12 कुएं? सर उसका भी तोड़ है, एक अंग्रेज के काले कुत्ते को बिस्किट खिलाओ, 2 बार करो उसके बाद पैर छू लो, काम हो गया सर। ठीक है कुकी जी के लिए मैं काले कुत्ते के पैर भी छू लूंगा। जी तुम लोग ऐश करो, संतरे लपेटो। जी जी हम सब लपेट रहे हैं सर, चिंता मत करो।
फिल्म। बकवास। देखो कुसुम, आपको फिल्म देखनी थी, हमने देखा दी, अगली बार हमें टॉर्चर मत करना। थैंक यू, आई लाइक द फिल्म। डिस्गस्टिंग। मैं तो कहता हूँ फिल्मों में पुलिस को इतना घटिया क्यों दिखाते हैं वो लोग है? अगर आम जिंदगी में कोई चोरी कर ले तो पुलिस तो उसकी वाट लगा दे। ये किसका घर है? राम, क्या होगा? प्रलय प्रताप। मैं आ गया सर, यहाँ का सब हो गया? हो गया। सब साफ हो गया। मुझे पता था, मैंने आपसे पहले ही कहा था, बड़े गुणी लोग हैं। अरे साफ हो गया का मतलब सब कुछ साफ करके चले गए, चोर थे वो लोग। मेरे 25 सैंडल भी। क्या? कहाँ गए थे तुम, कहाँ गए थे उस वक्त, हनीमून पे? ओ, उन लोगों ने मुझे डिफिकल्ट काम देकर यहाँ से फुटा दिया और पूरा माल साफ करके ले गए सर। इसका मतलब वो लोग चोर थे सर। अरे भैया, अरे भाई, एक एक करके पूछो ना। शहर में अगर खुद पुलिस कमिश्नर का घर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? उन चोरों को पकड़ने के लिए क्या अब पुलिस प्राइवेट एजेंसी हायर करेगी? देखिए, इस तरह की घटनाओं से कमिश्नर साहब की योग्यता पर सवाल नहीं उठा सकते। इनके शहर में आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है, अपराध कम हुए हैं। अरे साहब बहुत अच्छे हैं, पिछले 13 साल से हम उनके नीचे काम कर रहे हैं, उसके पहले 7 साल तक वो मेरे नीचे काम कर रहे थे, मेरे जूनियर थे। एक अच्छे ऑफिसर के हुनर हमने कूट कूट कर भरे हैं उनके अंदर, हमारा बहुत आदर करते हैं। अरे चौकी पर हाजिरी लगाने से पहले हमारे घर पहुंच जाते थे, बर्तन झाड़ू पोछा सब करते थे, और तो और लैट्रिन तक साफ कर देते थे। हम सर कितने नासमझ हैं ये लोग, बिल्कुल बच्चे बच्चे भेज दिए। देखिए वो, देखिए पिंक शर्ट वाली को, लगता है स्कूल से भाग के आई है। हेलो हेलो, प्रलय प्रताप सिंह, मैं क्या करूं तुम्हारा, क्या करूं? जब भी मुंह खोलते हो प्रलय हो जाता है। क्यों क्यों पब्लिक में मुझे ताज पहना रहे हो या मेरी लुटिया डुबो रहे हो? ठीक है, मैंने 7 साल तुम्हारी जूनियरशिप की, लेकिन ये बात तुम दुनिया को क्यों बता रहे हो? फॉर व्हाट? सर ये मेरे भीतर की सूक्ष्म भावनाएं हैं सर, इसे आप अन्यथा ना लें। आपने जो कुछ मेरे लिए किया है वो दिलो दिमाग पे छपा हुआ है सर, अवसर मिलते ही मुंह के रास्ते निकल जाता है। तो रास्ता बदलो, क्योंकि यहाँ मेरा जनाजा निकल जाता है। ऐसी बात नहीं है सर, आपकी छवि में एक नई बात जुड़ती है सर। आप स्वभाव से जितने सख्त हैं, मन से उतने ही कोमल हैं। आपकी महानता की पोथी मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है सर। आई अंडरस्टैंड। सर जब मैं बीमार पड़ा था आप मुझे देखने आए थे, आप मेरे लिए फल लाए, दवाइयाँ लाए, फिर आप बाथरूम में जाकर मेरे गंदे कपड़े धोने लगे। वो छोड़ो, मैंने आपसे हाथ जोड़कर विनती की, ऐसा मत कीजिए। आप नहीं माने, नहीं, आपने मेरा कच्चा तक धो दिया। वो छोड़ दो, वो भूल जाओ वो बात, ये सब मन में बैठा हुआ है सर। तो मन से उखाड़ दो उसको, प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। नहीं नहीं, नहीं सर, आप मेरी छवि का कुछ तो ख्याल रखिए सर। तो फिर मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी करके पिछली पुरानी बातें भूल जाइए। ठीक है सर, मैं याद रखूंगा। अरे लखिया बाबुल मोरे। भाई साहब थूक क्यों रहे हो? अरे गांव के दमान है इसलिए इस पर थूक रहा हूँ, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट। हाथ थू, मुंह पे थूकते हैं ये। हाँ पहचाना? आजारी ये मुरारी। हाँ बोलोगी कुछ? भागो। गोली मत चलाना। अरे तू क्यों रिवर्स गियर लगा रहा है, जा भाग। सर सीनियर है आप। अरे तू तो सीनियर सिटीजन नहीं है ना, जा पकड़। अरे हजारी धीरे धीरे पूरे छींटे हमारे ऊपर आ रहे हैं। अरे यार छाता लेके क्यों नहीं आई? अरे पका दिया यार इस हवलदार ने। मैं भी पेशाब करूं? यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पे पेशाब करना मना है। तो फिर कैसे पेशाब करिएगा?
तुम दोनों तो मूत रहे हो। अरे मन पड़े हमारी छोड़ो। अरे तुम कुछ बोलोगी? अरे ये हजारी हम मुरारी हैं। हाँ मूतते रहो। पूरी टंकी खाली करके आना, उससे पहले जिप मत बंद करना रे। मुझे कुछ नहीं सुनना है। कुसुम कुसुम, मुझे अपनी गाड़ी वापस चाहिए आज शाम। तुम कमिश्नर हो ना पुलिस में? जस्ट गेट माय कार बैक। डार्लिंग तुम पेशेंस रखो, मेरी सारी पुलिस तुम्हारी गाड़ी के पीछे है। अब तुम मेरे पीछे मत पड़ो प्लीज। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है। आई वॉन्ट माई कार बैक, दैट्स इट। सर आप चिंता मत कीजिए, ये काम है ना अपने सिंह साहब अच्छी तरह से कर लेंगे। अब वही ढूंढेंगे गाड़ी को। तुम यहीं खड़े रहो। ये पुलिस वाला क्या कर रहा है? ए, चल बाहर निकल। हाँ हाँ, अरे क्यों निकल बाहर? आ गए आने में क्या? अरे वाह प्रभु, प्रणाम। जीते रहो बच्चा, जीते रहो। प्रभु हमारी एक समस्या है। हाँ बोलिए। हमारी गाड़ी चोरी हो गई है। चोर गाड़ी लेकर भाग गया है। वाह वाह बहुत अच्छे। आपके माथे की ललाट की मुस्कुराहट और कपड़े आप बता रहे हैं कि आप पुलिस में काम करते हैं? अरे वाह प्रभु। बस आप हमें इतना बताइए, गाड़ी का नंबर क्या था, मॉडल क्या है और कलर क्या है गाड़ी का? बस। अरे ये तो साहब ने बताया ही नहीं हमें। कैसी तो हालत हो गई है तुम्हारी, दिन रात काम काम काम। सही कह रहे हैं आप। आपके जूनियर किसी जमाने में सीनियर बनकर बैठे हैं आपके। ये भी सच है। आप पर रगड़ खिसकी 87.5 चल रही है बेटा। 87.5? हाँ, इसमें क्या होता है, आदमी रगड़ता रहता है घिसता रहता है लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। अरे वाह प्रभु, प्रभु आप हैं कौन? वैसे नाम हमारा होता है श्री श्री 75 पदम श्री आबा बाबा चीटानंद। वैसे आदमी तुम हमको जज गए हो भाई, ये मासूम चेहरा खिलता हुआ ललाट, तुम चाहो तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। बड़ी कृपा होगी प्रभु। हो गई कृपा, हो गई। देखो बड़ा जो गाड़ी देख रहे हो तुम, जिससे हम अभी अभी उतरे हैं और तुम बैठोगे, ये गाड़ी नहीं है सफलता का वाहन है। वाह। चमत्कार है चमत्कार। जो भी इस पर चढ़ा है बैठा है लेटा है वो सीधा ऊपर पहुंचा। देखो बड़ा तुम्हारे लिए कीमत है 111,011 रुपए और 11 केले किसी गरीब को खिला देना, ठीक है? मंजूर? मंजूर। बैठो। सर मेरी लॉटरी निकली है, 111,011 रुपए में खरीदी है सर गाड़ी। ये गाड़ी तुमने खरीदी? जी। ये गाड़ी? यस सर। जब तक कुकी जी की गाड़ी नहीं मिलती आप ये यूज कीजिए, घर की बात है। ये क्या है? क्या है सर ये? अरे एक गाड़ी दो नंबर सर। एक एक नंबर के बेवकूफ हो तुम प्रलय प्रताप। ये गाड़ी मेरी बीवी की है, कुसुम की। इट्स इम्पॉसिबल टू सेल मायसेल्फ इन दिस फूलिश वर्ल्ड विद दिस फूलिश हॉर्स। अरे बेवकूफ बनाया सर।